Hey everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to another live intraday trading video. तो आज का डेट है 10th ऑफ मार्च एंड करेंटली टाइम हुआ है 10:39। तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग शॉर्टिंग पोजिशन को हमने यहाँ पर क्रिएट किया है निफ्टी के फ्यूचर्स में। तो करेंटली अगर हम स्क्रीन्स पर देखेंगे तो आज के दिन जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी मार्च के फ्यूचर में 650 क्वांटिटीज़ को यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया है ऑन एन एवरेज प्राइस ऑफ 16,734.90। तो काफ़ी कमेंट्स थे कि एंट्री कैंडल को भी आप मेंशन करें। तो दिस इज़ दी कैंडल जिसके हमने रिट्रेसमेंट पर कि पुल बैक आने पर बाइंग साइड का रिट्रेसमेंट होने पर यहाँ पर हमने इस ग्रीन कैंडल में अभी अभी पोजीशंस को एग्जीक्यूट किया है। सो बाय कीपिंग द SL ऑन टू द इंट्राडे हाई कि इंट्राडे हाई का हमारा आज का SL है एंड करेंटली पोजीशन या PNL देखेंगे तो ब्रेक इवन में हम यहाँ पर चल रहा है। चलिए सो एनालिसिस एंड लॉजिक को अंडरस्टैंड करेंगे कि क्यों आज के दिन इस पर्टिकुलर लेवल पर एग्रेसिव एंट्री को क्रिएट किया गया है। सो अगर निफ्टी के चार्ट्स को यहाँ पर मैं जूम आउट करूँ तो आप सभी के साथ मॉर्निंग में ही टेलीग्राम चैनल पर दो अपडेट्स को किया गया कि निफ्टी 50 का आज का रेंज जैसे कि देख सकते हैं, दिस इज आवर टेलीग्राम चैनल, इसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर जैसे ऑलरेडी अराउंड 4,400 लोगों ने देख लिया है कि 10.19 पर एक रेंज को शेयर किया गया। सो इन द लाइव मार्केट दिस रेंज हैज बीन शेयर्ड कि निफ्टी आज का ये रेंज में यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। जो नेक्स्ट एनालिसिस या स्क्रीनशॉट देखेंगे कि निफ्टी अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड हो रहा है। तो लाइव चार्ट पर हम इसका रेजिस्टेंस लेवल एनालाइज करेंगे। तो दिस इज़ द निफ्टी चार्ट्स एंड जैसे कि हम देख सकते हैं कि मार्केट अपने काफ़ी एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड हो रहा है कि मार्केट ने प्रीवियसली जिस दिन हमारा SL हिट हुआ था ऑन टू 3rd of March कि यहाँ से बाइंग का बिहेवियर था, कंटिन्यूस रेजिस्टेंस टेस्टिंग था एंड यहाँ से मार्केट सेकेंड हाफ में सडन सेलिंग की वजह से सेल ऑफ हुआ। तो इसके बाद मार्केट अभी जो सेकेंड टाइम आया है सेम लेवल पर ये आज के दिन 10th of March को मार्केट टेस्ट कर रहा है एंड मेजर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने के लिए मार्केट को स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है। बट जैसे कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से कंटिन्यूस शॉर्ट अप हुआ है कि कंटिन्यूस विदाउट एनी रिट्रेसमेंट मार्केट देख सकते हैं कंटिन्यूस बाइंग मोमेंटम में, तो किसी भी मेजर रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ऐसे डायरेक्टली ब्रेक करने का प्रोबेबिलिटी इज दी लोएस्ट। सो वी आर एक्सपेक्टिंग, जैसे हमने कई बार देखा हुआ है कि कोई रेजिस्टेंस या काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस लेवल है किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में तो मार्केट जाएगा उसको टेस्ट करेगा, दो तीन बार टेस्ट करेगा, उसके बाद मार्केट उस लेवल्स को ब्रेकआउट देता है। कंटिन्यूस सिंगल मोमेंटम में मार्केट किसी मेजर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम होता है। सो आज के दिन हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे कि कोई मेजर रेजिस्टेंस भी निफ्टी 50 में अभी तक नहीं आया है तो वी आर एक्सपेक्टिंग द गैप फिलिंग ऑफ द इंडेक्स कि गैप फिलिंग या तो मार्केट एटलीस्ट मिनिमम मार्केट यहाँ पर अपने सपोर्ट लेवल तक परफॉर्म करेगा या सपोर्ट लेवल तक आ सकता है। तो जैसे कि जब भी हमारा SL हिट होता है तो हम थोड़ा कंजर्वेटिव चलते हैं, तो एक्सपेक्टेशन तो यह है कि मार्केट अपने सपोर्ट को यहाँ से ब्रेक करेगा। बट जैसे कि हम थोड़ा कंजर्वेटिव चलेंगे, वी नीड टू रिकवर दी लॉसेज एंड इंक्रीज आवर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियोज, तो यहाँ पर हम टारगेट मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाले लेवल्स पर रखेंगे। तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है आज का कि मार्केट मिनिमम अपने सपोर्ट लेवल्स को यहाँ से टेस्ट करने के लिए आगे बढ़ेगा। चलिए सो टारगेट लाइन को यहाँ पर मैंने एक ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क किया है कि प्रीवियस सपोर्ट लेवल के थोड़ा ऊपर हम टारगेट्स को रखेंगे, तो 16,625.74। तो अगर इसे हम मेजर करेंगे देख सकते हैं व्हाइल आई एम एक्सप्लेनिंग मार्केट हैज स्टार्टेड मूविंग। तो यहाँ से हम अगर देखेंगे तो ये पॉइंट होता है समवॉट अराउंड 108 पॉइंट्स, तो अराउंड हम 100 पॉइंट्स का टारगेट्स यहाँ पर रखने वाले हैं। चलिए सो 100 पॉइंट्स इज अ गुड मोमेंटम और गुड टारगेट पॉइंट कि निफ्टी में कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी क्वेश्चन था, दो तीन क्वेश्चंस थे कि क्या लेजिटिमेट पॉइंट्स है जो हम निफ्टी या बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो निफ्टी में 100 पॉइंट्स इन एन इंट्राडे सेशन इज इनफ एंड बैंक निफ्टी में यू कैन गो फॉर 300 पॉइंट्स। तो जैसे कि देख सकते हैं मार्केट हैड स्टार्टेड मूविंग
एंड हमारा करंट पीएनएल इज अराउंड प्रॉफिट्स ऑफ 15,000, ऑलरेडी 1:1 का मार्केट मोमेंटम यहाँ पर कर चुका है। सो टारगेट ऑर्डर्स को यहाँ पर मैं प्लेस करूँगा। तो काफ़ी एक सेफ ट्रेड हमने आज के दिन एग्जीक्यूट किया है कि जब भी आपका एक एसएल प्रीवियस डे पर हिट होता है तो हम काफ़ी कंजर्वेटिव या सेफेस्ट या हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी एग्जीक्यूशंस को लेते हैं। चलिए तो टारगेट को यहाँ पर मैं लिमिट प्राइस सेट करूँगा 16,628.75। तो अराउंड 100 पॉइंट्स का हमारा आज के दिन टारगेट है। ऑर्डर यहाँ देख सकते हैं मैंने प्लेस कर दिया है। सो चलिए वेट करेंगे एंड काफ़ी इजीली आज के दिन टारगेट्स मार्केट अचीव कर देगा। सो लेट्स वेट एंड जो भी होता है आई विल बी अपडेटिंग यू ऑल। ओके ट्रेडर्स, सो करेंटली टाइम इज 12:51 एंड एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मार्केट ने हमारे टारगेट्स को अचीव कर दिया है। सो जैसे कि एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट कंटिन्यूसली मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर सकता है, तो मार्केट ने अगेन एंड अगेन मेजर रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस को फेस किया एंड एक लोअर हाईज बनाता हुआ, लोअर हाईज एंड लोअर लोस के फॉर्मेशन में मार्केट आज सेल ऑफ हुआ। तो अभी मार्केट इस सपोर्ट एरिया के और नीचे ब्रेकआउट के बाद अगर एक हेल्दी ब्रेकआउट आता है तो और गैप फिलिंग को कंटिन्यू कर सकता है और भी ज़्यादा मार्केट यहाँ से सेल ऑफ हो सकता है। बट जैसे कि आज का ट्रेड हमारा एक कंजर्वेटिव ट्रेड था, सो वी हैव एग्जिटेड ऑन टू द सपोर्ट लेवल्स। तो अगर रिस्क एंड रिवॉर्ड को यहाँ पर हम मेजर करें तो शॉर्ट पोजीशन फ्रॉम एंट्री प्राइस ये हमारा एसएल है एंड टारगेट्स ऑफ दिस एरिया, तो समवॉट अराउंड 1:4 का टारगेट आज के दिन हमने यहाँ पर बुक किया है। चलिए सो दिस वॉज द ट्रेड फॉर टुडे। रेगुलर इसी तरह के अपडेट्स के लिए जैसे कि रेजिस्टेंस लेवल को मॉर्निंग में ही टेलीग्राम पर अपडेट किया गया, तो फर्दर रेगुलर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। द लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इज गिवन इन द वीडियोस डिस्क्रिप्शन। सो रेगुलर वीडियोस अपडेट के लिए आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट बाय टू ऑल एंड सी यू।